हेलो एवरीवन, दिस वी पूजा एंड बाल फेयर मतलब बाल बाल फेयर योर ऑल एक्सेस सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स। अब ये होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आप रामायण है ये सुन लीजिए। अ केमिकल रिएक्शन जिसे हम कहते हैं अ प्रोसेस विच सर्टन सब्सटेंसेस कॉल्ड रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इन टू द सम अदर न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड द प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द कोलिजन्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अ ब्रेक थ्रू ऑफ अ ओल्ड बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड इन अ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है, दीज केमिकल ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विद अ डिफरेंट रेट्स एंड अ डिफरेंट एंड द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं लाइक आयोनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट। एग्जाम्पल जो होता है प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन जो होता है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेसिपिटेशन के कुछ ऐसे इक्वेशंस बताइए, बहुत आसानी से AgCl, AgNO3 और NaCl सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl ऑन मिक्सिंग AgNO3 एंड NaCl सॉल्यूशन। अब आपको अच्छे से पता है Ag+Cl- होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है AgNO3 फ्रॉम NaCl। वैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एसिड बाई अ बेस ऑल्सो वेरी फास्ट। एच जो है आपका एसिड है और OH जो है आपका बेस है, तो H2O अनआयोनाइज्ड आयन बनता है। पर देयर आर सर्टन रिएक्शन विच अकर्स एक्सट्रीमली स्लो स्पीड, जिनके एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। सम ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर प्रोसीड स्लोली, तो यहाँ पर शुगर कैन का दिया हुआ है, वाटर के साथ उसे किया इन्वर्जन ऑफ शुगर तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। हाउएवर देयर आर सम रिएक्शंस विच अकर्स इन कन्वेंशनली मेजरेबल टाइम एंड देयर रेट्स कैन बी मेजर्ड इजिली इन द लेबोरेटरी। बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स, और कह सकते हैं विथ केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इसे डिफाइन करते हैं, द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन अकर्स। द स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स ये हेल्प करता है आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स को समझने के लिए। तो इसमें से चार दिया है और दो भी अगर आप अपने इंटरव्यू में बता दिए ना तो यू आर अ वेल एंड गुड। द पाथवेज ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट। द पाथ एक रास्ता बताता है रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, स्टेप थ्रू विच द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट। उसके बाद प्रेडिक्शन ऑफ अटेंडमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये भी बताता है। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ केमिकल काइनेटिक्स, ये बहुत ज़रूरी है स्टेटमेंट याद रखना। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। द नॉलेज ऑफ काइनेटिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्टेंट हेल्प टू ऑप्टिमाइज द कंडीशन ऑफ द रिएक्टेंट अंडर विच दे हेल्प टू कैरी आउट अ क्विक इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ डिजायर प्रोडक्ट विदाउट एनी साइड ऑफ इफेक्ट या फिर विदाउट एनी साइड रिएक्टेंट। अब हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और आपको इसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।